काला हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान को एक तो पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन अब जब से उनके पिता यानी कि सलीम खान का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आया है, उसके बाद से सलमान खान की मुश्किल जो है और बढ़ती नज़र आ रही है। किस लिहाज से बढ़ती नज़र आ रही है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जब से सलीम खान का जो ये इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने सलमान खान से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की, काले हिरन के मुद्दों पर बातचीत की और इन सब चीज़ों को झूठा ठहरा दिया। जैसे ही सलीम खान ने ये चीज़ बोली कि ना तो सलमान खान के पास उस वक्त गोली थी और ना ही सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है, ये बस एक फिरौती का मामला है, ये बस एक पैसे लेने का मामला है, जिसके बाद से विश्नोई समाज तो है एक तो पहले से सलमान खान पे भड़का हुआ था और इस बयान के बाद से, इस इंटरव्यू को देखने के बाद से विश्नोई समाज जो है वो और भी ज़्यादा सलमान खान से नाराज हो चुका। आपको बता दें कि पहले तो सिर्फ लॉरेंस विश्नोई थे जो कि सलमान खान को धमकी दे रहे थे और काले हिरन से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो है पूरा विश्नोई समाज एकजुट हो चुका है। हालांकि विश्नोई समाज पहले भी एकजुट था और सलमान खान से माफ़ी मांगने के लिए बार बार बोल चुका है, लेकिन जब से सलीम खान का ये इंटरव्यू सामने आया जिसमें सलीम खान ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सलमान ने आज तक एक कॉकरोच तक मारा नहीं है, वह ऐसे में वो काले हिरन का शिकार कैसे कर सकता है, जिसके बाद से जो विश्नोई समाज है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और आपको बता दें कि विश्नोई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र विश्नोई ने पूरे सलमान खान के परिवार को झूठा कह दिया, यानी उन्होंने ये कहा है कि पूरा का पूरा खान परिवार ही झूठा है और हम यही चाहते हैं कि सलमान खान जो हैं माफ़ी मांग ले। अभी तक तो बस हम यही चाहते थे कि वो माफ़ी मांग ले, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने जो गलती की है उसको वो छुपा रहे हैं। अब तो उनके पिता भी इस चीज़ को छुपा रहे हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब सलीम खान की वजह से क्या सलमान खान की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि पहले से ही मुश्किलें कम नहीं थी। बाबा सिद्दीकी की जब से हत्या हुई है और जब से ये बात सामने आई है कि इसमें लॉरेंस विश्नोई गैंग का हाथ है, सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। वो बीच में ये भी खबर आई थी कि अपने शूट्स पर भी नहीं जा रहे, अपने डेट्स को वो डिले कर रहे, लेकिन हालांकि क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स होते हैं काम के जिसको लेकर के सलमान खान सेट पर तो पहुँच रहे हैं अपने शूट के, लेकिन फुल ऑन सिक्योरिटी के साथ। अब विश्नोई समाज जो है पूरा भड़क चुका है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। अब ऐसे में देखना होगा कि और क्या कड़े कदम विश्नोई समाज की ओर से उठते हैं, लॉरेंस विश्नोई अब क्या नया मैसेज देते हैं सलमान खान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सलीम खान का ये इंटरव्यू सामने आया है, जिस तरीके से विश्नोई समाज एक बार फिर से और भी ज़्यादा नाराज़गी जता रहा है सलमान खान की तरफ और पूरे खान परिवार की तरफ, तो ऐसे में देखना होगा कि अब अगला कदम क्या होने वाला है।